यह कहानी एक ऐसे वुमेन लैंड की है जहां पर सिर्फ वुमेन्स ही रहती हैं, और जो भी इस वुमेन लैंड के पवित्र पानी को पी लेता है वो फौरन ही प्रेग्नेंट हो जाता है। यही वजह थी कि इस दृष्टि पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं और किसी ने भी कोई आदमी नहीं देखा था। इसके बाद हमें मास्टर टैंग नाम के एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि अपने शिष्य बेजी और शाह के साथ अपने पवित्र शास्त्रों को लाने के लिए भारत जा रहा था। दरअसल ये दोनों शिष्य एक डेमन है जिसमें बेजी एक पिग डेमन है। इसी बीच उनकी बोट पर मंकी किंग भी आ जाता है जो कि टैंक का शिष्य होता है। सभी ने इस यात्रा में कई समस्याओं का सामना किया था। वो सभी नदी पार कर रहे थे तभी अचानक से उस नदी में रहने वाला मोस्चर उन पर हमला कर देता है। सब बचने की बहुत कोशिश करते हैं मगर मोस्चर उन पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिससे सभी लोग उस मोस्चर से बच जाते हैं। अब पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचने पर सभी लोग तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी मास्टर टैंग एक सुंदर लड़की को चट्टान पर लटका हुआ देखता है। अचानक से वो लड़की फिसलकर नीचे गिरने लगती है लेकिन उसका हिरण उसे बचा लेता है। उधर मंकी किंग अपने मास्टर टैंग को नीचे गिरने से बचाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे बेजी और शाह नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब आदमी हो, और मास्टर टैंग हां में जवाब देता है। इसके बाद वो लड़की मुस्कुराकर वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और कुछ समय बाद यह लड़की एक बहुत बड़े राज्य में पहुँच जाती है। यह वुमेन लैंड राज्य था जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की इस राज्य की रानी है। इसके बाद वो लड़की अपने नौकरों के पास आकर उन्हें बताती है कि आज मेरा जंगल में चार आदमियों से सामना हुआ था लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे हमें महसूस होता है कि इस राज्य में आदमियों से कोई सरोकार नहीं है। रानी अपने नौकरों को बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसने आदमियों को पास में जाकर देखा है। इसके बाद हम रानी को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां पर रानी अपनी पुस्तीली किताब को निकालकर पढ़ने लगती है और उस किताब में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं, और तभी वह देखती है कि इस किताब से कुछ पेज गायब है। उसी दौरान वहाँ पर राज्य की महारानी आती है जिसने रानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। यह महारानी उन आदमियों के बारे में सुनती है तो अपने सैनिकों को उन आदमियों को ढूंढने को कहती है। दूसरी ओर मास्टर टैंग और उसके साथी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं और तभी बेजी को लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो नदी में नहा रही थी। यहाँ बेजी उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता है इसीलिए वो अपने शरीर को आदमी के रूप में बदल कर उनके पास जाता है, लेकिन वो लड़कियाँ इम्प्रेस होने की बजाय उसे पीटने लगती है जिससे बेजी अपने असली रूप में आ जाता है। और तभी कुछ सैनिक औरतें टैंग और शाह को पकड़ लेती हैं। और तब मास्टर टैंग अपने शिष्यों को उन औरतों पर हमला करने से मना करता है और उन औरतों को शांत होने को कहता है, लेकिन वो औरतें बहुत गुस्से में होती हैं इसीलिए वे इन सभी को सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती है। और तब टैंग को पता चलता है कि इस राज्य में सिर्फ लड़कियां रहती हैं। इसके बाद सबको महल में ले जाया जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें जंगल में जो खूबसूरत लड़की मिली थी वो इस राज्य की रानी है। और तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है और पुस्तीली किताब को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में सभी के बारे में पहले से ही लिखा था जिससे पता चलता है कि मंकी और बेजी की आने की भविष्यवाणी इस किताब में पहले से ही लिखी गई थी। अब वो बुजुर्ग औरत बताती है कि भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों राज्य में विनाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी औरतें उन चारों को मौत की सजा सुनाने की मांग करने लगती हैं जिससे राज्य की महारानी पर दबाव बनने लगता है और वो उन्हें मौत की सजा सुना देती है। वह रानी भी महारानी के फैसले को मानती है लेकिन रानी उन लोगों को सजा सुनाने से पहले उनसे पूछताछ करने को कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को एक दिन के लिए जेल में कैद करने को कहती है। लेकिन मंकी किंग के पास सुपर ह्यूमन पावर है जिससे वो सभी औरतों से अकेला ही लड़ाई करके अपने दोस्तों को बचा सकता है, लेकिन मंकी किंग से मास्टर टैंग ने लड़ाई करने से मना किया था। उसी रात मास्टर टैंग जेल तोड़कर वहाँ से भागने को कहता है, इसीलिए मंकी किंग जेल का दरवाजा तोड़ देता है और वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। और तभी रानी अपने नौकरों के साथ उनसे पूछताछ करने के लिए जेल आती है लेकिन मंकी किंग अपनी पूरी ताकत से मेन गेट को खोलता है जिससे रानी और उसकी नौकरें गेट से टकराकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद वे चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक नजर न आने वाली दीवार उन्हें बाहर जाने से रोकती है जिससे टकराकर
सभी नीचे गिर जाते हैं। दरअसल यह पूरा राज्य एक ऐसी पावर से सील किया गया था कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि मंकी किंग भी उस दीवार को तोड़ नहीं सकता था। तभी मंकी किंग कहता है कि हम सभी को रानी से बात करनी चाहिए, इसीलिए वो सभी जेल को वापस लौट जाते हैं। इधर रानी और उसके नौकर होश में आने के बाद जेल में अंदर जाते हैं और रानी चारों से पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर रानी मास्टर टैंग से सवाल करती है। पूछताछ के दौरान रानी मास्टर टैंग को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर टैंग कहता है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मॉन्क है। साथ ही टैंग रानी को अपने मकसद के बारे में बताते हुए उसे एक छोटी सी किताब देता है, जिसमें टैंग ने अपने सफर के बारे में लिखा था। इसी बीच मंकी किंग भी वहाँ पर आ जाता है और रानी से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहाँ महारानी आती है और सभी को बताती है कि अगले दिन इन चारों को मार दिया जाएगा। अगले दिन चारों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। तभी रानी सैनिक के रूप में उन चारों के पास आती है और बताती है कि मैंने नुकीले तीरों को खिलौने वाले तीरों से बदल दिया है, इसीलिए जब तुम्हें तीर मारे जाए तो तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले शाह को तीर मारा जाता है, जिसके बाद वह मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब मास्टर टैंग को तीर मारा जाता है तो वो मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा से सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसी बीच शाह बड़ी चालाकी से टैंग के पेट पर एक पत्थर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मंकी किंग को भी तीर मारा जाता है, जिसके बाद वो मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब बेजी को तीर मारने की बारी आती है, तब महारानी अपने सैनिकों को तीर बदलने का आदेश देती है, क्योंकि बेजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत होना सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि बेजी एक डेमन है और वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अब महारानी सभी आदमियों के शरीर को नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी रानी अपने नौकरों के साथ नदी के पास पहुंच जाती है, जहां पर उन चारों को फेंका गया था। इसके बाद रानी उन चारों को एक महफूस जगह पर ले जाती है। असल में यह जगह इस राज्य की सबसे पवित्र जगह है। यहाँ पर रानी बताती है कि उसे इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। यहाँ पर रानी का मानना था कि उसकी पुश्तैनी किताब में जो पेज गायब हैं, उनमें जरूर इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता लिखा होगा। यह सुनकर मंकी किंग कहता है कि शायद उस पुश्तैनी किताब का सफे इसी पवित्र जगह में कहीं पर छिपा होगा, इसीलिए वे सभी उस सफे को खोजने लगते हैं। तभी मंकी किंग को वह पेज मिल जाता है, जिसे वह मास्टर टैंग को देता है और मास्टर टैंग उस सफे में लिखे वर्ड्स को पढ़ता है, तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वो बूमन लैंड से बाहर निकल सकता है। यह कहानी एक